हेलो ब्यूटीफुल पीपल, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब गाइज? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर गाइज आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर दो मार्कोर गेमिंग फिनिक्स ओएस को। अगर मार्कोर ओएस आर्मी हो तो लाइक कर दो मेरी इस वीडियो को। तो गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास जो फिनिक्स ओएस के एरर आते हैं, ठीक है, बूटिंग के वक्त वर्क नहीं करता, ठीक है, प्राइम ओएस हो गया या कोई भी मोड है, तो आज आप लोगों को मैं सारे एरर जो उनसे ना फिक्स कैसे करने हैं और वो आपके पास क्यों आ रहे हैं उसकी वजूहात बताऊंगा। मतलब आपको उसके फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इन फैक्ट्स से जो है ना अपने सिस्टम में फाइंड आउट करके उसको फिक्स कर लेना, ठीक है। ये ऑल इन वन जो सा है ना सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप जब ओएस करते हैं ना, तो आपने सिंपली जाना है अपनी दिस पीसी पर, राइट क्लिक करना है और उसके बाद गाइस यहां पर आपने सिंपली आना है मैनेज पे, ठीक है। मैनेज पे आने के बाद गाइज आपने सिंपली जाना है डिस्क मैनेजमेंट, जो आपको इधर लेफ्ट साइड पे नजर आ रही होगी, मैं मार्क भी कर देता हूं। उसके बाद इस पर आपने क्लिक करना है एक बार। तो गाइज आपने ओएस करने से पहले देख लेना है कि यहां पर देखे मेरा लिखा हुआ है बेसिक, ठीक है। अगर आपका डायनेमिक लिखा हुआ है तो उसको आपने बेसिक में कन्वर्ट करना। तो आप बोलेंगे ये क्या चीज आ गई यार, बेसिक और डायनेमिक यार। तो गाइज देखिए, जब भी आपकी यहाँ पर जो ड्राइव है ना, आपकी पूरी हार्ड ड्राइव, वो अगर डायनेमिक में है तो उसको जब आप बेसिक में करेंगे तो तब भी आप किसी भी ड्राइव में अपना ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं और वो वर्किंग करेगा। अगर आपके पास डायनेमिक है यहाँ पर, तो फिर आपके पास कोई भी ओएस कर लें वो आपके पास वर्क नहीं करेगा ड्यू टू डायनेमिक हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो अब इसको अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर डायनेमिक है तो उसको आप बेसिक कैसे करेंगे? तो गाइस घबराना नहीं है आप लोगों ने, आपने सिंपली आ जाना है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर, ठीक है। इसका जो लिंक है ना आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो कोई भी वीडियो देख लो इसकी डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है। तो आपने सिंपली जो उनसे है ना इसको ज्वाइन कर लेना, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पर आपको एक मेरा ऑप्शन मिलेगा जो मैंने सेक्शन में दिया हुआ है, जिसका नाम है डाउनलोड लिंक, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा डाउनलोड लिंक के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पर जूम आउट भी कर देता हूँ। ये अनलॉक 75 और 90 FPS के नीचे, ठीक है। तो अब गाइज आपने सिंपली ये करना है कि डाउनलोड लिंक पे आपने क्लिक कर देना एक बार, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आना, ठीक है। ऊपर की तरफ आएंगे आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी, ठीक है, उसके अंदर पूरा सोल्यूशन। अब आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही वीडियो, जिसके अंदर मैंने जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया हुआ है उसका डाउनलोड लिंक भी है यहाँ पर, और उसके बाद ट्यूटोरियल भी है कि आप डायनेमिक को बेसिक में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो बेसिकली आपको मैं इसका जो लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं वर्क करता तो आपको मैंने इसलिए डिस्कॉर्ड पे बताया कि आप इजीली मेरे डिस्कॉर्ड पे आके वहाँ से लिंक को कॉपी कर लें, क्योंकि मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो गाइज आप लोगों को ये बात तो मेरी समझ आ गई होगी। तो अक्सर जो है ना बूटिंग का जो एरर आता है ना लोगों के पास, जो एरर आ रहे होते हैं वो बेसिक नहीं होती, उनकी ड्राइव इस वजह से आता है, ठीक है। तो डायनेमिक होगी तो आपके पास वर्क नहीं करेगा, बेसिक होगी तो तब आपके पास वर्क करेगा। तो ये बात होगी यहाँ पर कंफर्म, इसे करते हैं आप कैंसिल। और उसके बाद गाइज आता है सेकंड जो आपका फैक्ट है। गाइज आपने कोई भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ड्राइव है जिसके अंदर आप ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं ग्रैब टू विन से, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, जो फोल्डर नेम होता है पहला, ठीक है, वो मैंने दे दिया यहाँ पर मार्कोर ओएस। अब ये सेम मेरा नेम ऐसे ही है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें जो एम है, ठीक है, वो कैपिटल है, और उसके बाद जो ओएस है वो कैपिटल है। तो ये जैसे है वैसे ही आपने लिखना है, तब ये आपके पास वर्क करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप एम छोटा लिख देते हैं और ओएस बड़ा लिख देते हैं तो आपके पास वर्क नहीं करेगा। तो अक्सर आप लोग गलती करते हैं इस तरह इंस्टॉलेशन के वक्त, तो जो न्यू लोग होते हैं, तो आपने सेम वही स्पेलिंग यूज करने हैं, कैपिटल या स्मॉल जो भी है, वट एवर, तभी आपके पास परफेक्टली वर्क करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने बना लिया फोल्डर, ठीक है, अब आप आते हैं इस फोल्डर के अंदर फिनिक्स ओएस की सारी फाइल यहां पर डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके आप बूटिंग कर लेते हैं, और फिर जब आप अपने ओएस को रीस्टार्ट करते हैं ना, तो आपके पास फिर दोबारा से इंस्टॉलेशन आ जाती है कि आप फिर दोबारा से इंस्टॉल करें। उसका रीजन ये है कि जब यहां पर आप सारी फाइल्स अपनी फिनिक्स ओएस की डालते हैं ना,
तो तब आपने उनके साथ एक फोल्डर बनाना है यहाँ पर डाटा के नाम से, ठीक है, स्मॉल वर्ड में। तो ये डाटा का फोल्डर आपने बना दिया है। तो अब गाइज आपकी जो पूरी ड्राइव कितने जीपी की है ना, उस हिसाब से जो है ना यहाँ पर उसकी आपकी स्टोरेज बन जाएगी ओएस की। जैसे अब मेरी यहाँ पर 20 जीपी है, तो मेरी जो है डाटा का फोल्डर बना दिया है, 18 से 19 जीपी की जो है ना मेरे पास स्टोरेज बन गया फिनिक्स ओएस पे। एक बार ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर दोबारा इंस्टॉल का सेटअप नहीं आएगा। तो यकीनन आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, समझदार लोग हो यार आप लोग। तो अब यहाँ पर हम करते हैं डिजीनेस को क्लोज। अब आ जाती है गाइज बारी हमारी, आ जाती है ग्रैब टू विन की। तो ग्रैब टू विन को ओपन करते हैं यहाँ पर। ग्रैब टू विन के अंदर क्या मतलब कि ये इधर क्या चक्कर है जो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। गाइज आपने सर्च में लिखना है सिस्टम इंफॉर्मेशन। अब देखें गाइज यहाँ पर जो मेरा सिस्टम, मैंने अब ये सर्च किया पूरा, ठीक है, आपने पूरा कर लेना सिस्टम इंफॉर्मेशन। अब गाइज देखें जो ग्रैब टू विन पे एरर आता है ना, ज़्यादातर लेगेसी में आता है। तो मेरा जो विंडो का और सिस्टम का मोड है ना, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बायोस मेरी जो है वो लेगेसी में है, ठीक है। तो अगर आपकी यहाँ पर UFI है या EFI है, तो आप गाइज आपके पास फिर ये होगा कि आपके पास ना इस जगह पे, आप देखें मेरी लेगेसी है, तो मेरे पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं मिल रहा इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे होगा आपका वो ऑप्शन। तो आपने पहली बार फॉर एग्जांपल ग्रैब टू विन इंस्टॉल किया है ना, तो गाइज यहाँ पर रेड एरो बना होगा कि EFI या तो फ्रेमवर्क का ऐसा कुछ। तो आपने उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइज उधर ऑप्शन आएगा, नीचे लिखा होगा विंडोज मैनेजर या ब्ला ब्ला, आपने उसको नीचे से ऊपर ले जाना है, मतलब इस तरह आप सबसे टॉप पे लेकर जाके उसे सेव कर देना है, और फिर बैक आना है। जो रेड एरो होगा ना यहाँ पर, ठीक है, वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा। जब आपके पास वो ग्रीन में चेंज हो गया, आपने सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो आपके पास जो एरर है वो फिक्स हो गया। देखिए इस तरह आपके पास ग्रीन आ गया ना फॉर एग्जांपल, तो आपके पास समझे कि सब कुछ फिक्स हो गया। अब आप इजीली अपना जो ग्रैब टू विन है ना, उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ग्रैब कोड जोन्स है, वो आपके पास फिर भी नहीं मतलब वर्क कर रहा UFI के मतलब करने के बजाय, तो गाइज देखिए मैंने आपको सिंपली बताया कि मेरा जो लेगेसी है, तो सबसे बेस्ट जो है ना सिस्टम बायोस मोड, वो आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, बायोस में जाना है, वहाँ पर जो EFI है UFI है उसको आपने लेगेसी कर देना है। लेकिन ये याद रखें कि जब भी आप इस मोड को चेंज करेंगे ना, अगर आपने लेगेसी में शिफ्ट होना है, तो आपको विंडो फिर दोबारा से करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप अपना डाटा सेव करके उसके बाद लेगेसी में कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप चेंज करते हैं ना बायोस मोड, वो कहता है कि आप विंडो आप न्यू करें, ठीक है। तो आपके पास चेंज करने से पहले आपके पास जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो सारी आपने अपनी जो ड्राइव है सी के अलावा उसमें सेव कर देनी है। तो यकीनन आप लोगों को ना मेरी ये सारी बातें समझ आई होंगी यार, वी मतलब आप अच्छे लोग हैं सारे यार, मतलब मैं ऐसे ही जो है समझता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आई होप सो गाइज आप लोगों को मेरी ये वीडियो सारी बहुत अच्छी और बहुत पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो ये आप लोगों को सोल्यूशन दिया है, कोई भी आपको मसला होता है ना, तो आप लोग गाइज कमेंट कर दिया करो, या तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लिया करो, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। बस ना आप लोगों ने ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। लव यू गाइज, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।